दोस्तों, अगर आप WhatsApp चलाते हैं तो एक प्रॉब्लम का आपको सामना जरूर करना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं और वो बंदा मैसेज पे मैसेज करते जा रहा है, आप बस ये चाहते हैं कि उसके मैसेज में सारे सारे पढ़ लूँ, और आप मैसेज पढ़ते हैं तो उसको पता चल जाता है सामने वाले को कि आप उसके मैसेज पढ़ चुके हैं, या फिर वो देखता है कि ऑनलाइन है बंदा मेरा ये और ये मेरे मैसेज पढ़ नहीं रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप सामने वाले बंदे के सारे SMS पढ़ लेंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसके SMS पढ़ लिए हैं और ना ही आपका वहाँ ऑनलाइन होना शो होगा। और दोस्तों, आप चाहो तो वहाँ से आप रिप्लाई भी दे सकते हैं। इस ट्रिक को जानने के लिए दोस्तों आपको करना होगा सबसे पहले एक काम, इस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो के नीचे आ रहे रेड कलर के बटन को, लाल कलर के बटन को दबा देना है, और साथ में जो घंटी है इसको भी दबा देना आप लोगों ने। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है, यहाँ पे जाके आपको एक कमेंट टाइप करना है, व्हाट्सअप ट्रिक 2018, ये क्लिक करके आपको कमेंट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों, मैं अब आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों, आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको लेफ्ट साइड में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, और दोस्तों मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बता देता हूँ। तो मैं अपने दूसरे फ़ोन से इस पर एक मैसेज सेंड करता हूँ हाय का, दूसरा वाला फ़ोन उठा लिया मैंने और इस पर फिलहाल मैं अपना व्हाट्सअप खोलता हूँ और इस पर मैंने हाय का मैसेज अभी टाइप कर दिया है। तो दोस्तों, मैंने वहाँ से सेंड कर दिया और आप देखेंगे मेरे पास मैसेज आ चुका है। अब मैं WhatsApp पे बिना जाए बिना मैं इस SMS को यहाँ से रीड कर सकता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे और जितने भी मैसेज आएंगे तो आप रीड कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ से ही आप रिप्लाई दे सकते हैं अपना बिना WhatsApp खोले। आपको इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको YouTube का भी फीचर भी देखने को मिलता है जिसमें कि आप YouTube की वीडियो भी देख पाएंगे। और दोस्तों, आपको ये रीड नहीं करना है या फिर आपको रीड करना ही है सारे मैसेज, तो आप मार्क आज रीड पे नीचे क्लिक कर देंगे तो रीड हो जाएगा, और आपको हटाना है तो डिलीट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा और सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चलेगा किसने SMS मेरा रीड करा है। दोस्तों, एक एप्लीकेशन है Nbubble करके, इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मतलब जहाँ पे टाइटल लिखा पड़ा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आप इसको परमिशन दे देंगे और ये एप्लीकेशन वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।